हम जी दोपहर का खाना आ गया है, वो हम अब खा रहे हैं। तो जिस जिसने भी खाना है आ जाए। खाना जो दोपहर का हमने खा लिया है, अब चलते हैं देखते हैं कि क्या हो रहा है बस्ती में। नंबरदार कमा रहा था, ट्राली फुल हो गई थी, फिर गिर गई क्योंकि नंबरदार बहुत गुस्से में है और गुस्से में ये बहुत हंसता है। देखना अभी हंस रहा होगा। नहीं है, क्या कर रहे हो? कहता मेरे पास गुस्सा नहीं है। गुस्सा नहीं है नहीं। और क्या है? काम कर रहे हैं बात। जूते हैं? जूते हैं, जूते ले आता हूँ अभी, मारता हूँ। क्यों? क्या मैं क्यों ले आऊँ? ले आ फिर तुम्हें मारूँ। ये देखें जी नौजवान माशाल्लाह कमा रहे हैं। ओए, ओए, सारी मिट्टी देखे तले हो गई। सारी मिट्टी तले हो गई? आपने नहाया हुआ है? अच्छा माशाल्लाह। अच्छा जी ये देखें एहसान हंसता है, माशाल्लाह माशाल्लाह। बीबी क्या कह रही हो? छुप रही हो यहाँ पर? छुप गई हो वीडियो के डर से ना? ये छुप गई। हाथों पे क्या लगाया है? ये हाथों पे मेहंदी लगाई है, माशाल्लाह। एक बज गया है, बादल जो है ना वो गरज रहे हैं और मौसम जो है ना काफी सुहाना हो चुका है। रेलगाड़ी जो है ना जा रही है, आपको शोर भी सुनाई दे रहा होगा, है ना? ये है जी घी तुरी और ये लगी हुई है, ये देखिए। इस साइड पे ना बहुत ही काले काले बादल हैं और गरज भी इसी साइड से रहे हैं, बाकी देख सकते हैं इस जगह तक हैं बस आसमान की ना, मैं यही जगह रह गई है, बाकी ये खतरनाक से बादल आ रहे हैं। पहले वाला पानी, पहले ही बारिशों वाला अभी तक मौजूद है और दूसरा फिर से आ रहा है। ये पड़ी है जी चारपाई मंजा और ये देखें बहुत ही, इतना बड़ा भी नहीं है और इतना छोटा भी नहीं है, नॉर्मल है। और यहाँ पर मैं अक्सर रात को ना 12 बजे 1 बजे यहाँ पर आकर बैठा रहता हूँ बस। ये है जी ट्यूबवेल और यहाँ पर पैसे देकर नहाया जाता है और उसके साथ में वो चावल की काश्त है। जहाँ पर पानी नज़र आ रहा है वो चावल की काश्त हुई पड़ी है और अभी ये चल रहा था, अब बारिश बन गई है तो ये बंद हो गया है। यहाँ पर जनाब फीस होती है अपना 30 रुपए एक बंदे के। अभी जो है ना एक बंदे ने जंप लगा दिया है, ये देखें नहा रहा है, जिंदाबाद। इधर जी काश्त किए गए थे तरबूज, ये देखें
ये पड़ा है, और इसके अलावा और भी छोटे छोटे पड़े हैं, लेकिन इन्होंने तवज्जो नहीं दी ना, इसलिए ये देखें, ये लगा अच्छा खासा, लेकिन तवज्जो ना देने की वजह से ना, ये देखें ये कुछ बड़ा है, ये छुपा बैठा है, ये सारे देखें, तवज्जो ना देने की वजह से ना ये ख़त्म है। माशाल्लाह बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बारिश नहीं आई, बस ठंडी हवा आ रही है मज़े की। अभी जो है ना चलता हूँ थोड़ा सा आगे, और उसके बाद चलेंगे फिर घर। प्यारे व्यूअर, मुझे एक कमेंट आया था, एक सवाल है, मुझे कहा कि असगर भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आपने इलाज नहीं करवाया, जबकि साहबा नसीबा भाभी ने वो ना अपना अपने भाई को कॉल वगैरह की, और उसने आकर इलाज कराया उसका। तो इसके लिए मैं जवाब देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ ना एक रिवाज है कि अगर मैं बीमार हो जाऊँ तो मेरी जो घर वाली है, जो उसके भाई हैं, वो इलाज करवाएंगे, मेरा मेरे भाई इलाज नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो इसका जवाब आपको मिल गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि अच्छा। कुछ वर्जिश वगैरह जो थी मेरी वो हो गई है एक्सरसाइज, अब मैं चलता हूँ घर की तरफ, और रहिएगा मेरे साथ साथ। तकरीबन मेरे हिसाब से ना जाते हुए व्लॉग का भी एंड हो जाएगा, और ज़िंदगी में ना मैं एक चीज़ हमेशा जहन में रखता हूँ, दो एक चीज़ नहीं तीन चीज़ हैं, वो ये हैं कि पहली माजी, दूसरा हाल, और तीसरा मुस्तकबिल। ये चीज़ें जब मैं माजी सोचता हूँ तो मेरे मतलब अंदर गरूर नहीं आता कि मेरा माजी कैसा था, जब मैं हाल देखता हूँ तो उस पर गौर व फिक्र करता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, और उसके बाद जो मुस्तकबिल है ना उसके बारे में भी सोचना चाहिए इंसान को कि मुस्तकबिल में क्या करना है। और हर हाल में एक बात याद रख लें कि हर हाल में इंसान को मुस्कुराना चाहिए, मेरी तरह देखें कैसे मुस्कुरा रहा हूँ माशाल्लाह। और मुस्कुराने वाले बंदे आजकल दुनिया में ना मुस्कुराहट बहुत ज़्यादा कम भी हो गई है, चलती भी है, लेकिन मुस्कुराहट अब अकेले में बैठा होता है बंदा, मोबाइल पे स्नैप चलाई हुई है, टिकटॉक चलाई हुई है, वहाँ पर फनी वगैरह देखता है, अकेले में मुस्कुरा रहा है, जबकि मुस्कुराना चाहिए बाहर जाकर, दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में मुस्कुरा कर मिलना चाहिए, फिर मज़ा आता है ना, ऐसे है बात कि नहीं है, ऐसे है।